अस्सलामुअलैकुम। ब्लैक मैक्स स्प्रे कर देते हैं, ब्लैक मैक्स स्प्रे। हेलो गाइस, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर ब्लॉग एंड आ न्यू वीडियो। तो अभी का सीन ये है कि हम लोग ये स्प्रे करने के आए हैं ब्लैक मैक, और आपको साइकिल के कुछ हालात दिखाऊं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पता हो पत्ते लगे हुए थे, वो हमने से उतार दिए हैं, यहाँ से उतार दिए सारा। ये देख सकते हैं पत्ते उतार दिए हैं, यहाँ पे न्यू हमने स्प्रे करना है, यहाँ पे करना है। देख सकते हैं उतरिया होता है सा, ये देखिए सामने सारे जंग लग गए हुए, ये उतरिए है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ से भी उतरिया हुआ है, यहाँ से भी उतरिया हुआ है। ये देख सकते हैं तो कई जगह से सही तरीके से नहीं हुआ था। तो आज का हमारा सीन यही है, हमने करना उसको स्प्रे, और साथ ही साथ में मैंने साइकिल के दो काम करवाए हैं। सबसे पहले फ्रेश अगली न्यू नंबर प्लेट देख सकते हैं, और एक हमने पिछली नंबर प्लेट बनवाई है, ये आपके सामने पिछली नंबर पर ये हमने किया काम। और ये ना ये मैं पूछ चुका था, जैसा आपको पता है टूटा हुआ था, और ये ना टेढ़ा होता था, तो आपके भाई ने काम किया तो सीधा करने के लिए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसको रबड़ लगा के इसको लोहे की तार से बांध दिया, अब ये सीधा है। पहले मकली ऊपर आती थी, अब सीधा कर दिया। और ये हमारा जो सीट कवर है, इसका भी थोड़ा से काम ख़राब हुए हैं, देख सकते हैं खुल गया, यहाँ से ख़राब हो गया, फक चुका है। तो अभी हम इसको भी देखेंगे। सबसे पहले हमारा काम ये कि हमने अभी अपनी साइकिल पर ये जो स्प्रे है ये करना है, कैसे करना है आइए अभी आपको बताते हैं कि कैसे करना है। वो हमने कहाँ करना है, घर में नहीं करना हमने स्प्रे, ये हम करेंगे कहीं बाहर बाज़ार में, कहीं बाज़ार में करेंगे, क्योंकि आपको बाज़ार जा रहा है, बिजी है। तो अभी तो हम नहीं कर सकते, अभी तो हम थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, तो वो चेक करते हैं। आइए सबसे पहले हमारे टारगेट है इसे, थोड़ा सा ये करते हैं, फिर देखते हैं, दिखाते हैं आपको भी। अच्छा तो गाइस हमने ये कर दिया है, आपको नज़र आ ही रहा होगा, स्प्रे भी किया है, ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा किया है, लेकिन सही है। हमने इसको छुपाना है, गंदी ना लगे, देखेंगे गाइस कहाँ कहाँ से गंदी हो गई है। और आपको याद होगा कि ये जब हमने ये वाइपर किए थे, तो ये भी देखें वाइप पर निशान आ गए थे, देखें कितने वाइप पर निशान है, ये देखें तो इतना बढ़ ही गया था। तो हम इनको भी ख़त्म करेंगे इसी स्प्रे से, ऐसे ऐसे करके ये भी ऐसे ख़त्म होगा, ठीक है। तो हमने इसको भी ख़त्म कर देना है, नीचे वाले जैसे ख़त्म होंगे, मतलब समझ लें कि हमने साइकिल को एक बार न्यू स्प्रे करना है। और आगे से भी ऐसे ही सेम हालात, ये आगे ही देखें, एक मिनट रुकें, अगला भी आपको करके दिखाते हैं। जहाँ जहाँ सुना था मैं आपने वहाँ से कर दिया, और अब बाकी जो रह गए हैं ये हम थोड़ी देर बाद करेंगे, क्योंकि पहले ये तारें लगी हुई हैं इनको तारें, उसके बाद यहाँ पर स्प्रे होगा, तो देख सकते हैं आप सारा हुआ। तो आइए पहले हम इनकी तारें तार के फिर इसको स्प्रे करते हैं। तो आपका भाई एक प्लासी ले आया है, जिससे हम इसकी ये तारें खोलेंगे या काटेंगे, जो भी करेंगे। ये क्या तेरा है, देखिए तेरा, ये तो गलत काम। चलिए पहले हम ये खुद उतारते हैं, फिर आपको देखें, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मैं वीडियो बनानी है, फिर ये काम करने पहले एक काम कर लेते हैं, फिर वीडियो बना कर काम उतारते हैं। गाइस मैंने ये इसकी तार निकाल दी यहाँ से, आप देख सकते हैं ये पड़ी हैं, प्लास से मैंने दोनों की दोनों तारें निकाल दी हैं। अब ये हमारा रह गया स्प्रे करने के लिए, तो आइए इसको स्प्रे करते हैं। चलिए
जितना हो गया था बराबर आता नजर आ रहा था वो हमने कर दिया, ये भी थोड़ा रह गया। मैं कहता हूँ पूरी गंदी लग रही थी साइकिल, इतनी बुरी लग रही थी दिल नहीं कर रहा था बाहर निकालूँ। अब ये हो गया बस, अब हमारा और काम कोई नहीं है। ठीक है यहाँ कर देते हैं, और कुछ रह गया तो हम वो चौका मौका जो रह गया वो देखते हैं। इतनी ही बड़ी चीज़ में बोल रहा हूँ, देखें रुक जाए दिल बंद करके करता हूँ। तो एक आगे मैंने साइड पर कर दिया और यहाँ पर कर देते हैं, भी हो गया ये भी हो गया, सारा नया हो गया फूल। पहले बड़ा गंदा लग रहा था, थोड़ा ना बेहतर हो गया। बस जितना छोटा छोटा रहा था उठा वो हमने कर दिया, अब यहाँ भी करना हमने। वो रिम पे भी हो गया, इतनी खैर होगी उतर जाएगा। हाँ वो तो जगह जब दो तीन ब्रेक रहेंगी ना तो वो उतर जाएगा, बाकी हिस्सा थी थोड़ा सा रह गया, तो ये अपना पूरा पूरा रह गया। ये कैसे बोल सकते हैं, ये नया हो गया हमारा। अब जो छोके छोके रह गए मैं खुद कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। अच्छा तो भाई जितना मुझे नीचे नज़र आता था मैंने तो उतना कर दिया, बाकी उल्टा करते हैं तो देखते हैं आप यहाँ पे कितनी जगह जहाँ जंग लग चुका है, तो देख सकते हैं कितनी जगह पे यहाँ पे जंग लग चुका है। तो हमने बताया करना क्या, ये पकड़ना है ऐसे करके, ऐसे नीचे नीचे कर देते हैं ऐसे ऐसे हल्के हल्के, ताकि जहाँ जहाँ जंग लगे ना वहाँ से जंग वगैरह खत्म हो गए, बड़ी गंदी लगती है ऐसे चलाते हुए ना, फिर गंदी लग रही थी इसलिए का एक स्प्रे कैन की जरूरत नहीं है, एक स्प्रे कैन करते हैं फिर ये साफ हो जाए। चलिए भी मैं कलर कर दिया ब्लैक, ये भी हो गया, चलिए बस एंड हो गया। अब जितना मैं करना था उतना तो मैंने कर दिया, छोटे छोटे जगह भी कर लिए नीचे नीचे हर जगह पर मैंने कर दिया, हर जगह जहाँ जहाँ रह गया वहाँ पर भी हो गया, छोटे मोटे जगह पर उसको कर लिया हो गया, नीचे कुछ कुछ कर लिया। इस बार मैं कहता हूँ बार बार स्प्रे कैन की जब लाल आ कर काली नहीं करनी हमने, एक बार होता है कर दो बस। मैं बगैर दिनों से गौर कर रहा था कि इस पर होने वाला था स्प्रे, जिस दिन मैं स्प्रे की थी ना उसी दिन जब वाइट वो आ गया था ना उसी दिन मैंने कहा था कि ये भी नया स्प्रे लाना पड़ना एक बार, तो आज वक्त था पैसे भी थे, मैंने कहा क्यों नहीं एक स्प्रे ले आते हैं साइकिल थोड़ी सी आप कितनी नजर आएगी। और क्या बाकी सारे दोस्त कहते रहे मुझे साइकिल गंदी लग रही है, करीब लग रही है, वो है गर्म उतर गई है, गंदी हो गई है, ख़राब हो गई है, मैंने कहा करते हैं कुछ, चलिए हमने सारा कर दिया। अभी थोड़ा चौका चौका रह गया वो काम मैं खुद कर लूँगा, यहाँ से रह गया थोड़ा, हो गया ये दूसरा कर देता हूँ। बस हो गया खराब, अब कम से कम गंदी नहीं लग रही, जहाँ जहाँ ओवर स्प्रे स्प्रे हुआ है वहाँ पर हम कर लेंगे सही, लेकिन प्रेम से नहीं बहुत से वापस सीधा करते हैं। फिर मैं इसको भी जो चक्की है ना ब्लू कलर की ये बगल गंदे लग रहे हैं, मैंने इसको दोबारा कराना इसलिए टेंशन नहीं है, ये हो चुका है ना हो। और एक और जगह रह गई थी यहाँ, ये भी हम सारे चलाएंगे साइकिल, सारी सारी साइकिल एक मरतबा सही हो जाए बस, फिर हो
हम तब की थी खाली दो कोके उसके ऊपर, तीसरी भी हो गया तकरीबन एक के साइकिल के ऊपर चार चार कोके होती हैं, ये भी होगी बस। अब छोटा मो कह रहा है कि वो हमको तो कर लेते, यहाँ गंदा लग रहा है, तो बस हो गया जो भी जगह रह गई हूँ, देखते हैं फिर करते हैं उसको भी। तो गाइस साइकिल में थोड़ी सी बाहर लेके आया हूँ ताकि सूख जाए थोड़ी सी, और अब ये देख सकते हैं सारी साइकिल हो गई है, प्यारी लग रही है। अब इसलिए मुझे मंगा के ना प्लास्टिक का ये सही नहीं लगा, इस पर हम टेपिंग करवा लेंगे फिर से, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं हो गई है साइकिल मरी कम्प्लीट, अभी से तकरीबन घंटा या दो घंटे से बाहर सूखने देते हैं हम ताकि सही से पर सूख जाए, बार बार हमें स्प्रे ना करना पड़े। अब इसे हम सूखे घर में देते हैं और जब सूख जाएगी हम इस आपको तब दिखाएंगे। तो अब चलते हैं हम अंदर और इसे यहाँ खड़ी कर देते हैं, और इस बार हमें स्प्रे ये मिली है 260 रुपये की, पिछली बार हमें मिली थी स्प्रे 280 रुपये की, इस बार मैं किसी और दुकान से लेके आया हूँ इसलिए मैं सस्ती मिली है। तो बाकी आप देख सकते हैं प्रेग भी प्यारी लग रही है, अगली भी पिछली भी, बस ये मैं गाग ने थोड़ी सी मार खाई है, ये प्यारा नहीं लग रहा है, और मेरे हाथ में भी लग गया देख सकते हैं आप, हाथ भी गंदे हो चुके हैं। बाकी साइकिल भी होगी हमारी कम्प्लीट, और अब मैंने एक और सोचा है कि हम साइकिल करवाएँगे लो, मतलब थोड़ी सी नीचे करवाएँगे, डेक ड्रॉप नहीं जाते गाड़ियाँ होती हैं मोटरसाइकिल होती हैं, हमने टिकटॉक या यूट्यूब पर देखा होगा, वैसे हम करवाने लगे साइकिल को लो। तो कैसे करवाएंगे हम, सबसे पहले इसका जो अगला टायर है इसे हम डलवाएंगे चौका, ठीक है। उसके बाद जो इसकी ये पैगल है अभी हम नया करवाया, ये उतरवा के हम डलवाएंगे चौके ताकि जब हम साइकिल नीचे हो तो ये ज़मीन के साथ ना लगे स्टैंग लगे। अब देखिए स्टैंग पहले हमने बाइक स्प्रे किया था, सिल्वर वापस आ गया ज़मीन से लग लग के, अभी भी आपके बाइक के दिल वो कुछ हो रहा है कि इसे और नीचे करवाया जाए, तो इंशाल्लाह हम इसे और नीचे करवाएंगे। तो अभी इसे थोड़ी देर सूखने देते हैं, जब तक ये सूख लिया तब तक आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो अभी इसे सूखने देते हैं थोड़ी देर और फिर उसके बाद आपसे हम मिलते हैं। अच्छा तो भाई मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, और अभी हम अगली साइकिल की आप देख सकते हैं स्प्रे कर दिया था हमने, तो ये सही हो गई साइकिल, स्प्रे वगैरह हो गया, और मैं ये कुछ सामान लेके आया था ये पड़ा हुआ था दराज के अंदर, तो ये तीन चीज़ें भी निकाली हैं, और ये भी था मारा एक मैं लेके मंगवाया हुआ था मैंने, तो ये भी मारा आ गया, ये मैंने इस पर लगा दिया है, पता नहीं कौन उतार के ले गया था, तो ये मारा रख चुका साइकिल पे, और बाकी साइकिल ठीक हो गया है, यहाँ मैं गाग भी देख सकते हैं ऑल डन, कमाल का हो गया काम, बस ये तारें गंदी लग रही हैं, बाकी बस काम हो गया। अभी मैं गाड़ी की चाबी ले जाऊँ, अब हम गाड़ी खोलते हैं, और ये तीनों की तीनों चीज़ें गाड़ी के अंदर लगाते हैं, और ये सबसे पहले गाड़ी के अंदर होते हैं, फिर आपको सामान दिखाते हैं कहाँ कहाँ लगाना है। अच्छा गाड़ी के अंदर हो गए हम लोग, और अभी आके भाई ने ये तकरीबन 5 मिनट लगा के सोचा कि हमने ये गन कहाँ पे लगानी है, तो अभी आपके ये गन लगाने लगा यहाँ पे ऐसा प्यार लगेगी। तो आइए इसकी ये जो डबल टेप है इसे उतारते हैं और फिर लगाते हैं। अच्छा तो गाइस हमने ये गन यहाँ पे लगा दिया है, देख सकते हैं सही लग गई है, बस एक ठीक हो गया ये लग गया। और हमारे डैशबोर्ड के अंदर ये आपको पता होगा शायद लास्ट लॉक से पहले जो लॉक था उसके मैं आपको जब हम गाड़ी वॉश करवा के लेके आए थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारी गाड़ी के अंदर ये लाइट पकड़ी नहीं है डैशबोर्ड की, जो ऐसे डैशबोर्ड के अंदर लगती है सारी लाइट ऐसे करके, तो सारी लाइट लगती हैं ऐसे सीधे सीधे आती हैं सारी लगती हैं, तो वो पकड़ी हमारे पास। और जब हम लोग लौट जाएंगे या गाड़ी का काम करवाने के लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह हम ये लगवा लेंगे। और आज का हमारे प्लान है कुछ कि गाड़ी की जो छत है ये बाहर से इसे ब्लैक करवा लें, और यहाँ आगे से ये इतनी बाइक करवा के इसकी लिखवाएँ, तो वो भी देखते हैं क्या सीन है। पहले तो हमारी काम है इसे लगाना, तो वो भी देखते हैं इसे कहाँ लगाना है। तो आइए पहले 5 मिनट से जूझते कहाँ चलेगा।
ये जो हमारे पास एक स्लीप एंड गिफ्ट है, ये आपको याद होगा, ये लगा हुआ था हमारे पास, ये ऑयल चेंज करवाया था तो ये लगा हुआ था। इसका जो ये था ना धागा, आपके भाई ने वो लगा के इसके डाल दिया है, ये देख सकते हैं। और अब हम इसे यहाँ फिट करते हैं, तो आइए पहले से फिट कर लेते हैं। गाइस आपके भाई ने धागा ने डाल दिया और साथ में गिरा भी बांध दिया, हम बस थोड़ा सा काम रह गया हमने इस शीशे के अंदर ऐसे करके सबके साथ ही ना, और ये लग गया अंदर, और देख सकते हैं फुल काम टाइट हो गया, गुड काम हो गया। ठीक है, अब बस हमारा ये वाला रह गया, तो हम अभी जैसे हमने यहाँ पे ये लगाया वैसे हम इसको उस साइड पे लगाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कैसे कहाँ लगाएं, थोड़ी देर बस सोचते हैं। तो आइए थोड़ी देर ना डिटेल इंस्पेक्शन करते हैं इसे कहाँ लगाना हमने। अच्छा, तो कैसे अभी आपके भाई ने तकरीबन 5 मिनट या 10 मिनट डिटेल इंस्पेक्शन किया है। आपके भाई का कभी दिल करते जैसे यहाँ लगा देते हैं सामने, फिर कभी आपके भाई दिल करते यहाँ लगा देते हैं, फिर कभी यहाँ पे और जो भी यहाँ पे, लेकिन मुझे एक यहाँ पे सही लग रहा है कि हम इसे यहाँ पे लगा दें ऐसे करके, और या इसे हम गा के बाहर लगा दें कहीं पे। ठीक है, तो देखते हैं बाहर चलते हैं और बाहर जा कर देखते हैं हमने कहाँ लगाना है। तो आइए गाइस, चाबी पकड़ ली हमने, और हम चलते हैं बाहर और बाहर जाकर देखते हैं कहाँ लगाना है। गाइस आपके भाई ने यहाँ पे ये देख सकते हैं ये लगा दिया। ठीक है, और आपको अंदर से थोड़ा सा दिखाऊंगा आगे, तो हमने अंदर से भी आपको भाई उस साइड से दिखाता हूँ, आपको लाइट चला के चेक कराता हूँ, एक मिनट दिखाते हैं आपको। रखो यहाँ पे, और हमने ये लगा दिया, ठीक हो गया। एक ही आपके सामने एक स्लीप एंड गिफ्ट, और अब आपको हम दिखाते हैं गाड़ी के लाइट्स, तो इसी करते हैं, ये देख सकते हैं आप ऑन हो चुकी है ये ब्राइस का रिमोट। अब हम इसे चेंज करते हैं, रेड हो गया, नजर आ रहा होगा रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, देख सकते हैं पीछे का भी यही सीन है। ठीक है, और ये जब इसको ये फोर है ना म्यूजिक फोर, इसको दबाएंगे और जो मैं बोलूँगा बोल देता हूँ तभी चलती रहेगी। अभी आप देखिएगा जब मैं बोलूँगा तभी चलेगी, जब मैं बंद अपने आप को चुप कर लूँगा तो फिर ये बंद हो जाएगी। ये देखिएगा, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, और ये 3 का मतलब ये भी देख लेते हैं, अभी 3 दबाया इसी यहाँ करके दबाया, अब ये क्या इसका मतलब, अच्छा लाग में चलती रहेगी, लेकिन जैसे मैं बोलूँगा ना ये वैसे वैसे ब्लिंक करेगी या चेंज होएंगी लाइक्स। हाँ जी, यही है, ये देख सकते हैं, ये वही सिस्टम है। ठीक है, तो अभी इस व्लॉग को करते हैं डिजाइन। अगर अभी मैं गया इसकी ब्लैक हो या करवाने के लिए, तो वो आप देखिएगा नेक्स्ट व्लॉग में, अगर मैं गया तो नहीं गया तो फिर समझ नहीं गया, और गाड़ी मैं कहता हूँ फुल गंदी हुई पड़ी है, अंदर से भी बाहर से भी गाड़ी यही आते हैं। ठीक है, गाड़ी ऑफ कर दी है मैंने अब। ठीक है, ये वो यूजने के लगे हुए हैं, मैं उतरने वाले हो गए, देख सकते हैं आप उतर रहे हैं थोड़े, लेकिन क्या है इतना तो चलता है, नया ला के लगा देंगे। ठीक है, तो बस अब इस ब्लॉग के डिजाइन करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और मैं गाड़ी थोड़ी सी मोटिफिकेशन भी आने वाली है, तो और साइकिल की भी छोटी बाइक तो भेज दी हमने। ठीक है, और हमने साइकिल पे लगानी है ब्रैकेट में जुम के रखी हुई है घर के अंदर पक गया, साथ में कैरियर भी लगवाएंगे, शायद आपको पता हो जो बाइक की एग लाइट नहीं तो बैक लाइट होती है उसमें जिस पर लगती है उस ब्रैकेट कहते हैं, वो साइकिलों पर लगवाते हैं लोग अक्सर, तो वो लगवाएंगे। और मेरे पास ऐसा ही एक और किचन पड़ा हुआ है, वो हम लगाएंगे साइकिल के उसको लॉक को, वाइल्ड लॉक को, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो अभी
हम दिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और गाइस एक बात और, हमने गाड़ी की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और करनी है, और हमने यहाँ पे ये करोला का लोगो, हमने इसे ब्लैक मैट ब्लैक पर रैप करवा के इसके बैक में कर बनवाना है। उस साथ में आपको मैंने बताया था गियर नोब्स की हम रैप करवाएंगे, तो मैं ले जाऊँगा वो, मैं रैप करवा लाऊँगा और ये भी करवाएंगे भी हम लोग, ठीक है। तो इंशाल्लाह जल्दी आप भाई को टाइम दें, सारा काम करवाएंगे। अभी हम लोग चलते हैं, ख़त्म करते हैं हम लोग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।